देखिए 11:30 बज गए हैं और 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो गया है और इतनी धूप में हम गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं। गन्ना देख सकते हो यहाँ पर पानी चल रहा है, तो गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं और अब 1 घंटा इसमें लगने वाला है, यानी 42-43 डिग्री टेम्परेचर तब तक हो जाएगा। और तेज़ धूप करते क्या हैं कि देखो ये टोपी वगैरह है तो इसको लगा लेते हैं जिससे थोड़ा तेज़ धूप ऊपर से बच सके। बाकी क्योंकि अगर हम खेत में पानी चला करके चले जाएं और बाद में होगा क्या कि गन्ने कट करके इधर जो नीचे खेत है इसमें चला जाएगा, तो खेत में रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इतनी सब मेहनत करने के बावजूद आप मतलब अनाज पैदा होता है या गन्ना पैदा होता है, यानी जो फसल हम लगाते हैं, इतनी सब मेहनत और इतना टेम्परेचर झेल करके हम किसान लोग जो है मेहनत करके और फिर जा करके कहीं फसल तैयार हो पाती है। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, रोग बीमारियां या मतलब तेज़ बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो ऐसे में हमारी फसल भी चौपट हो जाती है। और फसल ख़राब हो जाने पर अब बीमा वगैरह है तो ये तो केवल कहने का है, मुश्किल से 10% किसान बीमा का लाभ उठा पाते हैं, हम जैसे लोगों को तो बीमा मिलता भी नहीं है। और यदि हम दिखा दें पर जो आपको केले के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर इंजन लगा है और उधर से ये पाइप पड़ी है और पाइप अब जा करके यहाँ आई है। हालांकि पूरा खेत हो गया, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो थोड़ा बचा हुआ लेकिन इसमें भी अभी करीब करीब 1 घंटा का टाइम लगने वाला है। एक दूसरे खेत में पानी चल रहा है तो मैंने बच्चे को उस खेत में छोड़ रखा है क्योंकि वो मोटर से चल रहा है। आपको दिखा देते हैं, देखो वहाँ पर अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये खम्भे जो लगे हैं देखो, ये खंभा लगा है, ये खंभा लगा है, इसी के पास में खेत है, एक ये खंभा लगा है, एक ये यहाँ पर मोटर लगा है इस खंभे के पास में और इस खंभे के पास में खेत है, तो वहाँ पर पानी चल रहा है। और मैंने बच्चे को छोड़ रखा है और छाया में बैठा हुआ है, हालांकि उसको धूप में रखना थोड़ा ठीक नहीं क्योंकि दोनों खेत में सिंचाई एक साथ चल रही है, तो भाई एक जगह पे रहेंगे दोनों जगह पे तो नहीं रखता। इसमें इस खेत में मैंने मूंग लग के कारण आप देख सकते हो कि मूंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यानी इसमें जो फलियां बन रही उसमें दाने नहीं बन रहे हैं। तो देखो वही तो बता रहे हैं कि किसान इतनी मेहनत करता है इतनी फसल, अब यहाँ पर देख लो दाने सब गायब हो चुके हैं, तो अब मूंग की फसल इसमें गन्ने में थी ये ख़राब हो चुकी, एक भी दाना नहीं बना है। तो क्या है कि जो किसानों की अहमियत नहीं समझते हैं, किसानों की इज्जत नहीं करते हैं, वो यदि एक दिन अपना कारोबार छोड़ करके और एक दिन यदि खेत में मेहनत कर लें तो सब पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत किसान करता है। और कितनी मेहनत करने के बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि उसका फ़ायदा हो, क्योंकि जैसे मैंने मूंग दिखाया, मूंग तो मेरी ख़राब हो चुकी है, अब गन्ना बचा हुआ तो गन्ना होगा। ऐसे बहुत सी फसलें हैं जिस पर मेहनत करने के बाद और सब पैसा आदि लगाना और मेहनत करना, लेबर आदि लगाना, उसके बावजूद भी कभी कभी जितनी कीमत लग जाती है उतना भी नहीं निकलता, उसका 10% नहीं निकलता, कीमत लग जाने का 10% नहीं निकलता, तो कीमत की तो बड़ी दूर बात। अब आज सुबह मैं 7 बजे तो इस खेत में आ गया था, दूसरे खेत में जिसमें मैंने पहले बताया था उसमें 5 बजे से सिंचाई कर रहा था, लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि चलो इसमें लगा देते हैं, तो इसमें मैंने इंजन लगा दिया और इधर जो है अब खेत सिंचाई कर रहे हैं। खेत सिंचाई करने के बाद फिर जाएंगे 12-1 बजे, तब जा कर के खाना वगैरह खाएंगे, तो तब तक यहाँ पर रहना ही रहना है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, और अगले वीडियो में प्रॉपर सुबह से शाम तक क्या क्या करना रहता है, क्या क्या करते हैं, तो टोटल चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी छोटी सी जानकारी दोस्तों इसलिए दे रहा हूँ, यदि आप सपोर्ट करोगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे कि हम किसान भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी मेहनत आदि करने के बावजूद आप लोगों तक अनाज पहुंचता है। जो खेती करते हैं उनको तो पता है, लेकिन खेती करने वाले जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता होगी कि क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, और आप कमेंट करके भी बता सकते हो। लेकिन जो खेती नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और उसके बाद किसानों के प्रति टिप्पणियाँ कर देते हैं, तो वो चीज़ें भाई गलत लगती हैं, हम लोगों को दिल से गलत लगती हैं। तो क्योंकि हम लोग जो अनाज पैदा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आगे की खेती चलाने के लिए उसको बेचना पड़ता है। कभी बहुत से किसान भाई तो ये हैं कि वो खुद अपने पास अनाज नहीं रख पाते हैं और बेच देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बाद में मार्केट से ख़रीदना पड़ता, तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत से किसानों के सामने आ जाती है। तो बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।